ज़ैनब दिखाओ आपकी क्लॉक रेडी हुई है नहीं। हाय जपी, पहले आप मेरा ईद कार्ड देखें। देखें मैंने अभी बनाया, अच्छा है ना? ये देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है ईद मुबारक और यहाँ पर मैंने लिखा है हैप्पी ईद और यहाँ पर मैंने दो दिल बनाए, ये मैंने फ्लावर्स बनाए। वाओ बहुत प्यारा बनाया। और ज़ैनब वो बताओ क्लॉक का जो मैंने टास्क दिया था बताओ। अच्छा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही क्लॉक, एक है मैंने इसका वो भी बनाया जो हिलता है, ये हिल भी सकता है। और यहाँ पर मैंने सही बोली काउंटिंग लिखी है और यहाँ पर फाइव का टेबल लिखा है, जैसे फाइव वन ज़ा फाइव, फाइव टू ज़ा टेन, वैसे ही मैंने लिखा है, अच्छा है ना? ये वो उसकी सुई, ये भरी सुई, ये छोटी सुई। वाओ सुपर, बहुत प्यारा बनाया है, देखना इसके 10 में से 10 ही नंबर मिलेंगे, इतना खूबसूरत बनाई है क्लॉक। थैंक यू आयदा पे, मैं पूरे नंबर लूंगी। अब मैं अपना पूरा ईद कार्ड कर लूँ ना, और ये नहीं ये वाला है ना, सारी चीजें पूरी हैं। अच्छा सुनहरा अब आप बताओ आप क्या लिख रही हो? आताब शानदार वेस। सुनहरा ऐसे नहीं होता, ये होता है अलीफ बे पे ते से जीम जे, ऐसे होता है। ओके अच्छा हाय दा, ये क्या है? जे है ये, अलीफ अलीफ पढ़ो। अलीफ बा ता सा जीम, ये तो जीम नहीं था, ये तो साथ है ना, वो आगे जीम है, वो देखो जीम। साथ जीम, हाँ ये जीम है, ये जीम है। हाँ। आदा ये मैंने लिखा है। आपको मैं एप्पल बना के दूँ? हाँ ये आपको एप्पल बना के देती हूँ, आपने इसके अंदर कलर करना है। ये ला, आदा पे। नहीं मैं आपको बना के दूंगी, आपने करना हो कलर। ओके चलो ये लो सुनहरा मैंने बना दिया, इसके अंदर रेड कलर करना। ओके अच्छा ये ला। हाँ जी ठीक है। मायदा अब आप बताएं क्या कर रही हैं? हाइदर पे समर वर्क में ना एक काम मिला था कि कोई भी कार्टून्स बना लेने हैं, तो इब्राहिम ना पीजे मैक्स देख रहे हैं ना, वही बना रही थी, ये देखे अभी मैं वो बना रही हूँ, कैब बॉय। अच्छा ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई चीज़ नहीं मिली थी बनाने के लिए? अच्छा हाइदर पे फिर आप बता दें क्या बनाऊँ मैं? अच्छा मैं बताती हूँ, ये देखो मैंने बैलरीना मूवी के करेक्टर बनाए हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, ये बनाओ, ऐसे बनाओ कोई भी मूवी के करेक्टर, रियो मूवी है वो, गुड डायनासोर है वो बना लो। ऐसे लिख लूंगी ठीक है, और ये बना लूंगी। ओके हाँ ये सही है ठीक है। और इब्राहिम आप क्या कर रहे हो? हाइदा पे पीछे देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा तो आप काउंटिंग लिख रहे हो ठीक है, इसको जल्दी से 20 तक लिखना है, फिर आपने एबीसी स्टार्ट करनी है। ओके इब्राहिम। ओके हाइदा पी। अरे सुनहरा इतने प्यारे कलर, ये क्या किया आपने? सुनहरा मैंने आपको कल ही समझाया था इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए एप्पल से कलर बाहर। पापा कहते हैं मुझे ये ऐसा नहीं बनाना, मुझे बनाना ये। हाँ जी तो आप इसके अंदर खोलो ना कलर्स, जैसे ये वाला आपने किया रेड, देखो हरा मैं कैसे करूँ? आपको कल ही तो समझाया था, आओ मैं आपको समझाती हूँ। हाँ, इधर करो थोड़ा आ, हाँ, उंगली हाँ, वो दिखा रेड कलर, लो रेड कलर, रेड ये लाओ लाओ इधर। रुको रुको नहीं वो ऑरेंज नहीं, चलो पकड़ो इसे, पकड़ो ऐसे इतना पकड़ो ऐसे, चलो मैं आपको सिखाती हूँ, ऐसे रखो और ऐसे से कलर करो, ये ऐसे बाहर नहीं आपके निकलेंगे, इसे बाहर नहीं जाना चाहिए, ये देखो ऐसे से स्पीड स्पीड में करो, देखो बाहर निकल रहे नहीं ना, निकल रहे हैं नहीं। ओके आदा पी। चलो ऐसे करो, देखो मैंने आपको कितने अच्छे कलर करा दिए साइड। आदा यहाँ पे बाहर नहीं निकले। हाँ जी बाहर नहीं निकालना आपने, ओके अंदर करना है, देखो कितना अच्छा किया आपने। आदा मैं इधर भी करूँ? हाँ जी बाहर नहीं निकालना आपने लेकिन। अच्छा शाबाश, ऐसे ही करो सारे कलर। ओके इसमें ग्रीन करना, ओके लीफ में, और इधर ब्राउन करना। ओके आदा पी वैसे मामा कब आ रही है? मामा मामा ने कल लाना मायदा। हाइदा पे जाके पापा को बोले ना ले पिज़्ज़ा, कब लाएंगे? मुझे जो कह रही है पापा को खुद ही आवाज दे दो, आ जाएंगे खुद ही। अच्छा मैं कहती हूँ पापा। जी बेटा क्या कह रहे हो आप? पापा आप
तो आपने हमें पिज्जा खिलाना था ना, क्यों नहीं गए पिज्जा लेने? पिज्जा वो तो अभी लेते हैं। यस जल्दी ले रहे हैं ना पापा। ठीक है बेटा मैं लेके आता हूँ, मगर ये बताओ आयदा मायदा जैनब ये क्या चीज है बेटा, व्हाट इज दिस? पापा ये हमारा कचरा नहीं है, जैनब साहिबा का जो ये क्लॉक बना रही थी। जी पापा ये मेरा ही है क्योंकि मैंने फ्लावर वाली क्लॉक बनानी थी। ओके बेटा बनाओ मगर साथ साथ कचरा भी उठाओ। ये देखो पापा ये मेरी घड़ी वो भी फ्लावर वाली, ये देखें। वाओ जबरदस्त अच्छा बनाया, चलो मैं लेके आता पिज्जा अब। ठीक है बेटा क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ मामा, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप लोग बताओ क्या कर रहे हो? हम लोग मामा समर वेकेशन वाला काम खत्म कर रहे हैं अभी। अभी तक खत्म नहीं किया आप लोगों ने काम? बस होने वाला है, थोड़ा सा रहता है, मायदा का भी और ज़ैनब का भी और ज़ुनैरा तो वैसे ही कर रही है। खाना खाया कि नहीं खाया आप लोगों ने? मामा वो जरा से ना पापा अभी गए हैं पिज्जा लेने, वो आएंगे तो हम खा लेंगे। सोना नहीं है आप लोगों ने? सोना है मामा, अभी पापा आएंगे ना खा के फिर सो जाएंगे। चले फिर खाना खा के टाइम फिर सो जाना ठीक है? जुनैरा पापा लेने गए ना पिज्जा। हाय दपी वैसे टाइम बहुत हो गया, पूछे पापा से कितनी देर लगेगी। अभी आ जाते हैं, रश होगा ना वहाँ पे इसलिए। हाय दपी मुझे तो बहुत भूख लग रही है, आप मुझे नूडल्स बना देना। नहीं नहीं पता नहीं मामा ने मना किया है कि जब घर में कोई भी ना हो ना तो चूल्हे के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाय दपी बहुत सख्त भूख लग रही है, आप बना देना, कुछ नहीं होता, आज सैटरडे है ना रश होएगा इसलिए पापा लेट हो गए हैं। चलें हाय दपी छोड़ दे उनको, बना देना नूडल्स। मायदा नहीं मामा ने मना किया चूल्हे के पास नहीं जाना, मैं नहीं बना रही, चुप कर जाओ बस, पापा आएंगे पिज्जा ही खाएंगे और कुछ भी नहीं खाना हमने बस। चलें हाय दपी आप नहीं बना रही तो मैं बना के दे देती हूँ। नहीं मायदा बिल्कुल नहीं, खबरदार जो चूल्हे के पास गई यही बैठी रहो। नहीं हाय दपी बना देती हूँ। नहीं पापा को आने दो वो पिज्जा लेके आ रहे हैं। हाय दपी उन दोनों को भूख लगी है, छोटे बच्चे हैं। नहीं कुछ होता कोई और चीज दे देंगे, लेकिन नहीं बिल्कुल नहीं चलाना चूल्हा समझाई। हाय दपी कुछ नहीं होता, कोई हाथ से वास्ता नहीं होता। नहीं मायदा मैं नहीं जा रही ठीक है, चुप करके यहाँ पे बैठी रहो। खबरदार जब बात की कुछ नहीं होता ना, वो दोनों छोटे उनको भूख लगी है। हाय दापी सच्ची बताओ ना मुझे भी भूख लगी हुई है, चले ना प्लीज। चलो ठीक है मैं बना लेती हूँ, लेकिन अगर पापा से मुझे डांट पड़ी मैं तो तुम्हारा नाम लूंगी कि आपने कहा था, समझ आ गई? ठीक है हाय दापी मैं चलो खड़ी हो, अब चलते हम लोग आ जाए। जुनैरा आप यहीं बैठी रहो मैं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है मैं बना रही हूँ ना, आप यहीं बैठी रहो। ओके खबरदार जरा इन दोनों का ध्यान रखना ठीक है, कुछ करे ना। चलाओ मैदा चलाओ मैदा, आओ मैदा आ जाओ, आओ मैदा चलाती हूँ मैं ये चूल्हा। हाय दपी चलाए ना सही तरह, चला रही हूँ पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, इतनी बड़ी होगी आपको चूल्हा नहीं चलाना आता। अब चलेगा देखना, अब चल के रहेगा देखना। ए पकड़ना नहीं आता आपको। हाय दपी पिछड़े मैं चलाती हूँ, आओ चलाओ अब देखती हूँ, नहीं होने वाला देखना होएगा। मायदा चला था फिर से ट्राई करो। चला था वैसे फिर से करो, कैसा किया था देखो चलता है फिर वो हो जाता है। अरे मायदा छोड़ो पापा आ जाएंगे हमें डांट पड़ जाएगी, चलो चले। हाय दपी हम नूडल्स ले भी आए, कितनी देर लगानी है? चलो हाय दपी एक बार कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नहीं हुआ ना तो चलेंगे ठीक है। चलो ठीक है जल्दी कर लो। नहीं हुआ चलो मायदा आओ चलें। चलो मायदा आओ इससे पहले पापा आ जाएंगे, आ जाओ चले मैं खिलाती हूँ तुम्हें नूडल्स। बैठो मायदा। क्यों मायदा फिर नूडल्स नहीं बना रही आप? नूडल्स की बात करती हो, चूल्हा तो अभी तक हमें चलाना नहीं आया, नूडल्स पकाएंगे हम। तो मायदा फिर आप ट्राई कर लेती शायद आपसे चल जाता। ज़ैनब साहब मैंने भी ट्राई कर लिया था मगर हमसे नहीं चला।
देखिए इसको भी कितनी भूख लगी है। जुनैना आपको भूख लगी है ना? तो जुनैना अभी कुछ नहीं होता, पापा का इंतजार करते हैं। माई दप्पी बेल बजी, लगता है पापा आ गए। जल्दी जाए, खोले दरवाजा, जल्दी जाए ना। भाई जा रही हूँ, मुझे भी पता है पापा ही आए होंगे। सुनहरा पिज्जा आ गया। सलाम अलैकुम पापा। वाई सलाम बेटा, कैसे हो? ये पिज्जा तो मिला नहीं, मैकडोनल्ड आया हूँ, ये 24 आवर ये खुला हुआ था, इसलिए ये मैकडोनल्ड खाओ अब। बेटा गैस की स्मेल आ रही, चूल्हा जलाया था आप लोगों ने? हायदा क्यों स्मेल आ रही गैस की? वो कह रहे गैस का। लो भाई अब तो हम फंस गए, पता नहीं मायदा क्या करेगी, पक्का ही झूठ बोलेगी। नहीं नहीं पापा, हमने कोई चूल्हा नहीं जलाया। क्या मायदा झूठ क्यों बोल रही हो? ठीक है अभी मैं किचन में देख के आता हूँ। ठीक है पापा। क्यों इतनी स्मेल आ रही पूरे घर में? मायता क्यों झूठ बोला? बता देती पापा को कि हमने चूल्हा चलाया था, हमसे चूल्हा ही नहीं चल रहा था। हायदा पे लगता है गैस तो नहीं खुली रहेगी हमसे। बहुत स्मेल आ रही, तो गैस तो नहीं लीक होगी कहीं? क्या गैस खुली रहेगी? चूल्हा बंद किया भी था या नहीं? मायदा पी वैसे एक बात है, मुझे भी आ रही थी गैस की स्मेल। वाह तब तो तुम्हें स्मेल नहीं आ रही थी, अब तुम्हें स्मेल आ रही है, बोला क्यों नहीं पहले? जैनब जब पहले आपको स्मेल आ रही थी तब बोलना चाहिए था ना, अब तो पापा आ गए अब बोल रही हो। ओ शिट, ये बच्चों का ही काम होगा, चूल्हा जलाया इन्होंने, मैं भी इनकी खबर ले लेता हूँ, ये कुछ करेंगे ऐसे। एक दिन उन्होंने आग लगा देनी घर में। आयदा मायदा। पापा। जी पापा। ओ जैनब। जी पापा। जी पापा। कौन गया था किचन में? क्या किचन में? किचन में पापा क्या बोलूं? क्या बोलूं पापा को? आयदा भी बोलते हैं सच, बोल बोल दे। ठीक है बोल देती वो। पापा हम लोग जरा सा ना मायदा और मैं किचन में गए थे नूडल्स पकाने के लिए। आप लोगों को मना किया ना किचन में जाने के लिए, अगर आप लोग नूडल्स बनाने भी गए थे तो चूल्हा बंद नहीं करना था? हाँ। क्यों मायदा? हाँ। पापा हमने किया था बंद, मायदा बताओ किया था या नहीं बंद? वो पापा लास्ट टाइम मैंने ही बंद किया था। मायदा चूल्हा आपने बंद नहीं किया? वो पापा गैस चल रही थी। सुना आयदा? क्या गैस चल रही थी किचन में? ऊपर से आप लोग कहते हैं हम किचन में नहीं गए, झूठ बोलते हैं। पापा मैंने बंद की थी, वो कैसे खुली रह गई? वो पापा चूल्हा तो इनसे जला ही नहीं था और हमने नूडल्स भी नहीं खाए। पापा जैनब ठीक कह रही है, हमसे चूल्हा जला ही नहीं था। पापा लास्ट टाइम ना इसने जलाया था, इससे चला ही नहीं होना, और फिर हम लोग बाहर आ गए थे, इसने खुली गैस छोड़ दी होगी। हायदा पे आप ही तो मेरे साथ थी। बेटा मेरी बात सुनो, चूल्हा हमेशा सीधी पोजीशन पर क्लोज होता है और इस पोजीशन लेफ्ट वाली साइड में ऑन होती गैस, चल रही थी गैस आप लोग। सॉरी पापा, पापा मैंने तो इनको इतना मना किया था कि नहीं चूल्हे के पास नहीं जाना, पापा ने मना किया है, मामा ने भी मना किया है, ये सुन ही नहीं रहे थे। वो दोनों बोल रही थी कि हमें भूख लगी है और ये कहती नहीं चले हायदा पी चले। जी पापा ऐसा ही है, मैंने इनको कहा था। बेटा ये जो आज आप लोगों ने हरकत की है ना, इससे मालूम कितना बड़ा नुकसान हो जाना था, घर में आग लग जानी थी। आप लोगों मना करता ना कि किचन में नहीं जाना, अगर मामा है तो फिर जाओ। ठीक है पापा, सॉरी पापा, सॉरी पापा। बेटा नेक्स्ट टाइम याद रखना कभी भी चूल्हे के पास नहीं जाना, अगर नहीं पता पहले पूछ लो, मामा से पूछो, मुझसे पूछ लो। ठीक है पापा, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कोई नुकसान हो पापा। ठीक है बेटा, हम आज बहुत बड़े नुकसान से बच गए, कभी ऐसा नहीं करना। ठीक है याद रखना, अब मैं जा रहा हूँ अभी अंदर। ठीक है तो ये खाना खाओ आप लोग। ओके ठीक है पापा। तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं, ठीक होंगे? आप अगर घर पे कभी भी अकेले हों
तो चूल्हे के पास बिल्कुल मत जाएं, उससे आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है, आग भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। और हाँ, आप अपने मामा पापा से कभी मत झूठ बोलें, ठीक है। और आपको ये न्यू वीडियो कैसी लगी हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बायती हूँ, चलो अच्छा चलो समेट। ये मैंने ड्राइंग की थी, मैं वो वाली हूँ। चलो हाँ जी, दस पत्ते तोड़ेंगे, एक पत्ता कच्चा, हिरन का बच्चा, हिरन गई पानी में, पकड़ो उसकी नानी को। हाय दापी, आज कितना बोरिंग डे है ना। क्या बोरिंग डे? मायदा, तुम्हारे इसी बोरिंग डे को मैं ऐसे बदलूंगी ना कि तुम खुश हो जाओगी। क्या हाय दापी, सच्चे में आप मेरा मूड ठीक कर देंगी? अरे मायदा सच्ची में, और क्या मैं मजाक कर रही हूँ? देखना मैं कैसे मूड ठीक करूंगी आपका। ज़ैनब, हायदा पे कह रही है कि वो मेरा मूड ठीक कर देंगी। अच्छा मायदा पे, देखते हैं हायदा पे आपके लिए क्या करती हैं। ज़ैनब, मुझे लगता है हायदा पे मुझे कोई गिफ्ट भी दे सकती है, कुछ भी दे सकती है, मेरे लिए एक जान भी ना कुर्बान कर ले। पता नहीं क्या बातें कर रही है, चलो इनको बातें करने देती हूँ और मैं चीज़ लेके आती हूँ। अरे मायदा ज़ैनब, आप लोग बातें करो, मैं ज़रा वो चीज़ लेके आई, ठीक है, जो मैं लेकर आई हूँ, ठीक है? ठीक है मायदा पी। ज़ैनब, आप लोग ना खुश हो, मेरे लिए कुछ करने लगी है। शायद हम तीनों के लिए भी कुछ लेके आई हैं। तीनों नहीं, चार। 1, 2, 3, 4। क्योंकि आप कह रही आपके लिए भी लेके आई है, तो आप कह रही हम तीनों के लिए नहीं लेके आई आएंगी, इसलिए तो कह रही तीनों के लिए लेके आई है। चलो देखेंगे, कुछ अच्छा टॉय है। अरे भाई, इनको क्या पता कि मैं क्या लेकर आई हूँ, वो भी टर्बोर्ड लाई हूँ, मैग्नेट वाला जो बहुत मजे का होता है, दूसरा वाला तो लगाया ही नहीं जाता। चलो इनको दिखाते हैं, इनको अच्छा भी लगे या ना लगे। मुझे तो जहाँ तक लगता है मायदा को बहुत अच्छा लगेगा, अभी पूछती हूँ उसे जाके। आए ना हायदा पे जल्दी। मायदा मैं आ गई। क्या लेके आई है? मायदा ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। ओए जनब, वो देखो हायदा पे कोई टॉय लेके आई है। हायदा भी दिखाए क्या टॉय है, दिखाए ना। डर्टबोर्ड, जो तुम्हें बहुत पसंद था ना। हायदा पे डर्टबोर्ड दे, हायदा पे मुझे दे, मुझे बहुत पसंद है, चलो खेले, दे मुझे जल्दी दे। अच्छा दे रही हो, ये लो मायदा। रुके हायदा पी। क्या हुआ ज़ैनब? आप सिर्फ मायदा पे ही लेके आई हैं, हम तीनों के लिए कुछ नहीं? नहीं ज़ैनब, मैं क्या करूं, अपने लिए तो ये लेके आई थी लेकिन मैंने मायदा को दे दिया, बाकी बहन भाइयों के लिए तो कुछ नहीं लाई। हायदा पी चुप क्यों हो गई, बोले ना कुछ। ये तो मैं बहुत बुरा फंस गई, अब क्या कहूंगी ज़ैनब को। अरे नहीं, मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? क्या दूं इनको? एक आइडिया आया है मेरे पास। ऐसा करते हैं, हम लोग एक चैलेंज गेम खेलते हैं। मेरे पास कोई चीजें भी पड़ी हुई हैं और कोई चीजें भी पड़ी हुई हैं, इनसे कहूंगी मैं कि जो विनर होगा वो ये लेगा टर्बोर्ड, देखते हैं कौन जीतता है। मायदा ज़ैनब। जी हायदा पी। क्या बात कर रही हो ज़ैनब, ये तो मैं सबके लिए लेके आई हूँ लेकिन ये होगा एक बंदे का। मुझे ये बताओ कि ये टर्बोर्ड किसको चाहिए? हायदा पी मुझे चाहिए, मुझे, 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 मुझे मेरे लिए बुलाई है।
उन्हें बोला सबके लिए तो मैं लूंगी। नहीं, उन्हें मेरा मुंह ठीक करने के लिए लाई है। जैनब मैं तो हम भी तो नाराज थे। नहीं जैनब, आप लोग खेल रहे थे, मेरे साथ कोई नहीं खेल रहा था, इसलिए मैं वो लूंगी। इधर है ये, जैनब नहीं लेगी। नहीं मुझे लेगा, समझ नहीं होती जैनब। चाहिए मुझे, ऐसे नहीं मिलेगा किसी को, समझ आई? मुझे चाहिए जैनब। इसके लिए एक चीज करनी पड़ेगी। क्या चीज हाइदा पी? मैं तो हर चीज मंजूर कर लूंगी, जो आप कहेंगे मैं मंजूर कर लूंगी, मगर मुझे टर्बो चाहिए। वो तो मैं लूंगी। वो ये है कि एक चैलेंज खेलना पड़ेगा। क्यों, मंजूर है आप लोग को? जी हाइदा, हम दोनों को मंजूर है। चैलेंज बताएं क्या है? मायदा जैनब, एक दफा फिर सोच लो, समझ आई? बाद में ये मत कहना कि हाइदा अभी बहुत मुश्किल गेम दे दी, हमसे नहीं हो रहा ना, दे दे। ऐसे नहीं मिलने वाला ये, ठीक है? सोच लो फिर से। और वो गेम बताऊं क्या है? जैनब छोड़ दो, बहुत मुश्किल होगा, मुझे लगता है आपसे नहीं होने वाला। तो आपके लिए भी तो मुश्किल होगा, मुझे तो मंजूर है। नहीं आप रहने दो, मैं जीत के ना फिर हम दोनों को छोटा सा चैलेंज कर लेंगे। आप झूठ बोल रहे हो, आप चीटिंग करती हैं। हाइदा भी मुझे तो मंजूर है। हाइदा भी मुझे भी मंजूर है, बताएं क्या चैलेंज है? चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। वो गेम है बुर्ज खलीफा गेम। क्या बुर्ज खलीफा चैलेंज? अब हुए ना फिर शौक, कहा था ना बहुत मुश्किल गेम है, फिर ना कहना कि हाइदा भी हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो रहा। मैं पहले बुर्ज खलीफा वाले चैलेंज में तो हार गई थी, मगर हाइदा भी हमसे तो सिक्स वाली पूरी सिक्स तो सिक्स जलेंगे ही नहीं। ठीक है फिर मैं ना समझू ना, ये भी नहीं फिर मिलने वाला, ये मैं यूज करूंगी फिर। ना लो आप लोग, मैं यूज करूंगी। हाइदा भी ना निकल जाए, हमें मंजूर है ना? हाइदा भी मंजूर है ना? मैं मंजूर है। ठीक है फिर मैं लेके आती हूँ। अरे इसका तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ के जाऊंगी, ठीक है? मुझे पता तुम लोग ने लेने ला, मैं लेके आई जरा। हाँ तो मेरे को चार है। कोई बात नहीं, हम लोग ने बताओ कितने डालने हैं? कितने? सेफ और सेफ थ्री डालेंगे। थ्री क्यों? क्योंकि सिक्स हमसे नहीं डलते, उसके लिए फोर है ना हाइदा भी। हम थ्री डालेंगे, समझ आई? ओके ओके, देखते हैं कौन डालेगा पहले। एक बार पहले करेंगे। यस मायदा को बात नहीं। ओके जा रही है। जी नहीं,
उस टाइम मेरा डरा था। जल्दी 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 लेके आओ मायता की दाली। चलो मायता देखते हैं कि आप करती हो या नहीं। नहीं, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि मैं ही जीतूंगी। मैं जीतूंगी यार। सुन लो, मैं जीतूंगी और आप दोनों से कोई भी नहीं जीतेगा। अभी तो जीती हो नहीं, मैं भी कह रही हूँ। हाँ जी, देख चलो। Yes! 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 Y
सारी बहनों के साथ शेयर करो। आप अकेली खेल के क्या करोगी? मुझे नहीं खाना भी मैं नहीं लूंगी। मायदा शेयर करना अच्छी बात होती है। हाँ जी करवाओगी या नहीं शेयर?